आज हम आपके लिए नवादा का नवादा लोकसभा क्षेत्र का एक डिटेल वीडियो लाए हैं। ये वीडियो बड़ा है, लेकिन हम इस वीडियो को आपके सामने इस दावे के साथ रख रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लोकसभा क्षेत्र नवादा के बारे में उतना तो जरूर पता चल जाएगा जितना आपको जानना जरूरी है अगर आप वहाँ के नागरिक हैं या फिर अगर आप वोटर हैं या फिर थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट है लोकल पॉलिटिक्स का। हालांकि जो हम आपके सामने आज इस वीडियो में आपको पेश कर रहे हैं वो हमारे उस बड़े रिपोर्ट का एक छोटा सा सिर्फ हिस्सा है। जो बड़ा रिपोर्ट है हमारा वो कहीं ज़्यादा बड़ा है और वो आपके लिए ज़रूरी है भी नहीं। ये जो बड़ा वाला रिपोर्ट है वो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो नवादा से चुनाव लड़ना चाहते हैं या नवादा से चुनाव लड़ चुके हैं या नवादा के चुनाव में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हैं या फिर उम्मीदवार हों। अगर आपको या किसी और को नवादा का या फिर बिहार के किसी भी और 40 में से किसी भी लोकसभा क्षेत्र का वो पूरा डिटेल वाला रिपोर्ट चाहिए, वो बनवानी है, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। वो रिपोर्ट अगर हम आपको यहाँ देने लगेंगे तो 5-6 घंटा का वीडियो बनेगा, इसलिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क नंबर, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल आईडी सब कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये दावा जरूर करेंगे हम आपके सामने कि जो वो डिटेल रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा वो अच्छे अच्छे जो चुनाव लड़ चुके हैं नवादा से या जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास भी वो रिपोर्ट नहीं होगा। अब बिना देर करते हुए हम सीधे आते हैं आपके नवादा लोकसभा क्षेत्र के ऊपर। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई अतरंगी लोकसभा क्षेत्र है हमारी नज़र में तो वो है नवादा लोकसभा क्षेत्र। लेकिन कैसे, 5 कारण बताता हूँ मैं आपको इसके, और आप बताइए कि अगर इन 5 कारणों में से कोई भी एलिमेंट बिहार के किसी और लोकसभा क्षेत्र में आपको मिलता है जो आपको लगता है कि अतरंगी नहीं है, तो नवादा का अतरंगी नंबर 1। इस लोकसभा क्षेत्र से 1 या 2 सांसद को अगर आप छोड़ दें, सूर्यप्रकाश पुरी जैसे लोगों को, तो आज़ादी से लेकर के आज तक यहाँ पर कोई भी स्थानीय सांसद नहीं बने हैं। सूर्यप्रकाश पुरी इसमें एक अपवाद है। नंबर 2 इसका अतरंगी है ये कि यहाँ लड़ाई सीधे भूमिहार और यादव के बीच में होती है, लेकिन आज तक एक भी यादव जाति का नेता यहाँ से सांसद बनकर के चुनाव नहीं जीत पाया है। हालांकि ज़्यादातर चुनावों में दूसरे नंबर पर यादव ही रहते हैं, पिछले चुनाव में भी दूसरे नंबर पर यादव ही रहे थे। तीसरा अतरंगी नवादा का जो अंग है, यहाँ नक्सल और जातीय हिंसा दोनों साथ साथ हुआ है और बहुत विकराल रूप में हुआ है। खाकी आपने देखा है अमेजन प्राइम पे या जहाँ पे भी आपने इंटरनेट पे देखा है, जो बिहार चैप्टर है चंदन महतो वाला, वो इसी नवादा का कहानी है। और यहाँ कई जातीय नरसंहार भी हुए हैं। अब आ जाइए नंबर 4 के ऊपर। यहाँ का मुसलमान वोट बड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट ऐसे है कि यहाँ कुछ मुसलमान वोट RJD में भी जाता है और कुछ दूसरी तरफ, चाहे वो JDU हो चाहे फिर वो BJP तक को यहाँ मुसलमान वोट कर देते हैं। नंबर 5, यहाँ पर चुनाव पूरी तरह से जाति के नाम पर लड़ा जाता है। कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी पार्टी, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर भूमिहार अगर कोई कैंडिडेट है तो सारे भूमिहार एकमुश्त एक तरफ हो जाएंगे या भूमिहार भूमिहार को ही वोट देगा। और खास करके पिछले 2 दशक के दौरान जब से ये जनरल सीट हुआ है तब से तो यहाँ पर सिर्फ भूमिहार ही जीत रहे हैं। तो ये कुछ अतरंगी पॉइंट है जिसको हम आगे चल करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले इस नवादा लोकसभा क्षेत्र के भूगोल को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या भूगोल है इसका। डिलिमिटेशन कमीशन के कारण बार बार इसके क्षेत्र में बदलाव हुआ है, जिसके कारण यहाँ का जातीय समीकरण भी बदलता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। फिर वर्तमान में जातीय समीकरण को विस्तार से समझ लेंगे इसके बाद, जो हम भूगोल समझने के बाद, और उसके बाद फिर हम उसको हर विधानसभा के लेवल पर समझेंगे, यानी कि लोकसभा के स्तर पर क्या जातीय समीकरण है। हर 6 विधानसभाएं, हर 6 विधानसभा के ऊपर हम लोग अलग अलग जातीय समीकरण को पकड़ेंगे। और फिर उसके बाद पिछले कुछ चुनाव में वोटिंग का पैटर्न क्या है, किस पार्टी को कौन सा क्षेत्र किधर वोटिंग कर रहा है, कौन सी जाति किधर वोट कर रही है, कैसे शिफ्ट हो रहा है, इसको हम समझेंगे। और फिर आखिरी में हम बात करेंगे कि संभावित उम्मीदवार कौन से हो सकते हैं, BJP की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, या फिर महागठबंधन की तरफ से, NDA की तरफ से, इसके ऊपर भी हम आखिरी में चर्चा करेंगे। आज़ादी के बाद साल 1952 में जब देश में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था तब नवादा लोकसभा क्षेत्र जैसा कोई क्षेत्र नहीं था, था यही क्षेत्र लेकिन यहाँ पे इसका नाम था गया पूर्वी, क्योंकि गया पूर्वी जो नवादा जिला जो था वो गया जिले का ही हिस्सा हुआ करता था। और उस समय नवादा लोकसभा का मतलब होता है गया पूर्वी में,
उस समय जो गया पूर्वी का लोकसभा क्षेत्र होता था उसका ज्योग्राफिकल जो लोकेशन था उसमें नवादा लोकसभा का जो आज क्षेत्र है उसके अलावा गया जिले का वजीरगंज क्षेत्र और जहानाबाद जिले का अतरी विधानसभा क्षेत्र नवादा जिले का ही नवादा लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा हुआ करता था। 1957 में चुनाव से इस लोकसभा का नाम पड़ गया नवादा लोकसभा, लेकिन सीमा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बदलाव इसमें नहीं हुआ था। 1957 से लेकर के 1952 से लेकर 1971 तक परिसीमन में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। 1971 में जो परिसीमन हुआ वहाँ पे ये हुआ कि वजीरगंज और बरबीघा दो विधानसभा क्षेत्र को नवादा से लोकसभा क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। इससे हुआ ये कि नवादा लोकसभा क्षेत्र में सवर्णों का जो दबदबा और खास करके भूमिहारों का जो दबदबा हुआ करता था वो बरबीघा के भूमिहार बहुल निकलने से और वजीरगंज में जहाँ पे राजपूत और भूमिहार दोनों थे ये दोनों के बाहर निकलने से नवादा में नवादा लोकसभा क्षेत्र में सवर्णों का जो दबदबा था वो घट गया 1971 के डिलिमिटेशन के बाद। इससे पहले 1962 में नवादा लोकसभा क्षेत्र से दलित के लिए आरक्षित किया गया था लेकिन वो एक बार के लिए आरक्षित किया गया था। 67 में फिर से उसको सामान्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया था लेकिन 77 में डिलिमिटेशन कमीशन जब बैठा 71 के बाद तो 77 के बाद से लेकर के 2008 तक नवादा लोकसभा क्षेत्र एससी के लिए आरक्षित रहा, दलित के लिए आरक्षित रहा इस लंबे समय के बाद। और 2009 में फिर से ये जनरल सीट किया गया, इस बीच में सारे यहाँ से दलित ही चुनाव लड़े। इस दौरान यानी कि 2009 से पहले और 1977 के बीच यहाँ जितने भी दलित सांसद निर्वाचित हुए हैं उनमें से शायद ही कोई नवादा का मूल निवासी होगा या स्थानीय निवासी होगा। 1967 में जो सूर्य प्रकाश पुरी हैं वो भूमिहार थे और वो स्थानीय थे, उस समय जनरल हुआ करता था। सूर्य प्रकाश पुरी को के ऊपर हमने एक अलग पूरी तरह पूरा वीडियो हमने एक सूर्य प्रकाश पुरी के ऊपर बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको वो भी देखना चाहिए, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन 1971 में ये हार जाते हैं और 1977 से फिर से ये एससी सीट रिजर्व हो जाता है। तो 1977 से 2004 तक नवादा में जितने भी सांसद बने हैं उनमें से संजय पासवान जैसे सांसद भी थे जो उत्तर बिहार के कम्प्लीटली ऊपर गंगा के ऊपर से दरभंगा से आकर के नवादा में चुनाव लड़ जाते हैं और जीत भी जाते हैं और ये 5 साल के बाद नवादा छोड़ के भी चले जाते हैं। उसके पहले नवादा से पहले इनसे पहले ब्रजेश्वर सिंह थे जो 1957 में चुनाव यहाँ से जीते थे नवादा जीतने के बाद, उसके बाद फिर 1957 में जीते 1997 में छोड़ करके ये गया चले गए। उसके बाद फिर 1957 में सद्भावना देवी आई और उसके बाद 57 में जीती है वो और जीतने के बाद फिर 62 में वो छोड़ करके अपना जहानाबाद चली गई। मतलब एक साल बार आ रहे हैं, एक टर्म रह रहे हैं, जीत करके 5 साल रहते हैं और उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। उसी तरह से सूर्य प्रकाश पुरी 5 साल नवादा के ये लोकल थे लेकिन उसके बाद फिर सुखदेव प्रसाद वर्मा थे, वो बनिया हुआ करते थे, वो 1971 में लोकसभा चुनाव जीतते हैं लेकिन वो झारखंड के थे और 1977 के चुनाव में ये फिर भाग करके नवादा क्षेत्र से छोड़ करके झारखंड के चतरा लोकसभा क्षेत्र चले जाते हैं। उसके बाद फिर नथुनी राम आते हैं, अब यहाँ से सीट रिजर्व हो जाता है। तो नथुनी राम जो है वो भी झारखंड से थे और उसके पहले आपके रामधनी दास थे जो उत्तर प्रदेश से थे हालांकि वो पटना में रहते थे। उसके बाद फिर कुंवर राम दो बार बने थे, पटना के चितकोहरा क्षेत्र में ही रहते थे। उसके बाद फिर आपके उसके अलावा रामधनी दास हो गए, वो भी पटना सिटी में ही रहते थे। सुखदेव प्रसाद जो थे वो जहानाबाद के थे। तो ये सब लोग बाहर से थे, आते थे, एक बार जीतते थे, 5 साल राज करते थे और फिर 5 साल के बाद नवादा छोड़ के चले जाते थे और वो पैटर्न अभी भी जारी है। कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस दौरान यानी कि 1989 और 91 का कम्युनिस्ट पार्टी का भी नवादा में जीत हुआ है 2 बार। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार 3 बार दूसरे नंबर पर रहा है, 1980 में, 1984 में और फिर 1996 में। ये 3 बार कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उपविजेता यहाँ पे रहे हैं। 1980 और 1996 के बीच जो कांग्रेस 1984 तक चुनाव जीती थी वो कांग्रेस 1996 के चुनाव का आते आते तीसरे नंबर पर पहुँच गई, यानी कि 1990 तक कांग्रेस यहाँ पे दूसरे नंबर पर रही है लेकिन 96 आते आते जैसे ही लालू यादव का उदय होता है वैसे ही 96 आते आते यहाँ से नवादा से कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुँच जाती है। मतलब कम्युनिस्ट आए, 2 चुनाव जीते, 3 में हारे
और इन दो जीत और तीन हार के बीच में कांग्रेस नवादा से दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर चली गई। कांग्रेस और कम्युनिस्ट की जगह लेने वालों में से भाजपा और आरजेडी थे, मतलब पहले कम्युनिस्ट थे और कांग्रेस पहले दूसरे नंबर पे। इनके जाने के बाद भाजपा और आरजेडी आज तक पहले और दूसरे नंबर पे रह रहे हैं। मतलब जैसे जैसे नवादा में कांग्रेस और कम्युनिस्ट कमजोर हुए, वैसे वैसे यहाँ पे आरजेडी और भाजपा मजबूत हुई है। पहले 1996 के चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंची थी और फिर 1998 के चुनाव में कम्युनिस्ट तीसरे नंबर पर पहुंच गए। यानी कि 1996 के चुनाव में क्या हुआ था कि पहले नंबर पे आपके पहले नंबर और दूसरे नंबर पे कम्युनिस्ट और बीजेपी थी, कांग्रेस तीसरे पे गई। और अगले चुनाव में यानी कि 98 में फिर बीजेपी और आरजेडी रह गई, कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों बाहर हो गए। कांग्रेस की जगह लिया भाजपा ने और कम्युनिस्टों की जगह लिया आरजेडी ने। ये आपको साफ जो वोट का शिफ्ट हुआ है उससे दिखेगा। आज भी नवादा में, नवादा लोकसभा क्षेत्र में लड़ाई इसी आरजेडी और इसी भाजपा के बीच में चल रही है अभी भी, पहले और दूसरे नंबर के लिए। 1996 के चुनाव के बाद 1998 में फिर से परिसीमन होता है पूरे हिंदुस्तान में। और पहले तक यानी कि 2008 से पहले तक दो बार आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे नवादा से, यानी कि 1996 से लेकर के 2008 के बीच में, 1998 का चुनाव और 2004 का चुनाव। और दो बार भाजपा भी जीती है, 1996 में और फिर 1999 में, यानी कि चार टर्म में से दो बार भाजपा जीती है, दो बार आरजेडी जीती है। लेकिन कैसे नवादा लोकसभा क्षेत्र में कम्युनिस्ट की जगह आरजेडी ने ले लिया, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस मालती देवी के परिवार के प्रेम प्रदीप 1989 में सांसद बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, वही मालती देवी इन जो प्रेम प्रदीप के परिवार के हैं वो 1998 में आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ती है और सांसद भी बनती है। तो आप ये देख सकते हैं कि परिवार वही है लेकिन पार्टी बदल जाती है। जो उसी परिवार का व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी से जीता है 89 में और वो आकर के 96 में 98 में जीत रहा है आरजेडी की तरफ से। कम्युनिस्ट, कांग्रेस, भाजपा और आरजेडी के बीच इस खेल में भले ही नवादा लोकसभा क्षेत्र एससी के लिए आरक्षित था, लेकिन बैकडोर से तब भी भूमिहार ही इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और भूमिहार के लीडर। जब कम्युनिस्ट पार्टी नवादा में दो बार जीती थी और तीन बार उपविजेता रही थी, तो यहाँ पे सबसे बड़े कम्युनिस्ट लीडर जो थे उनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। वो इतने मजबूत थे कि जब लालू यादव जी 1990 में बिहार में मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और लालू यादव को कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन दिलवाने में खास करके बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और लालू यादव भी बहुत उनका इज्जत भी करते थे। कम्युनिस्ट और आरजेडी के इस गठजोड़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की मालती देवी 1998 में आरजेडी से सांसद बनती है और गणेश शंकर विद्यार्थी लालू यादव के करीबी बने रहते हैं जब लालू यादव जी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहते हैं, जब लालू यादव और आरजेडी बिहार में अपना दबदबा बनाए रहती है और बढ़ाए भी रखती है। अब लोकसभा, नवादा लोकसभा क्षेत्र के क्षेत्रफल में फिर से कुछ बदलाव हुआ 2008 में जब परिसीमन होता है। जिस भाजपा को नवादा में अजय बना दिया था 2008 के परिसीमन ने, जो आरजेडी 1998 और 2004 में एक बार छोड़कर के एक बार नवादा से चुनाव लड़ी और जीती भी, वही आरजेडी 2004 के बाद अब तक, आज तक नवादा लोकसभा क्षेत्र से एक भी चुनाव नहीं जीत पाई है और इस दौरान एक बार तीसरे नंबर पर भी चली गई है आरजेडी, यानी कि उसके कैंडिडेट, और शायद 2024 में भी आरजेडी नहीं जीत पाए। इस दौरान 2009 में लोकसभा क्षेत्र जो हुआ था उसमें आरजेडी तीसरे नंबर पे गई थी क्योंकि पहले दूसरे नंबर पे आपका बीजेपी और लोजपा थी। अब हुआ ये था कि 2009 में, मतलब 2008 के परिसीमन में, कि नवादा लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र पहले भी थे, तो जो पहले 6 विधानसभा क्षेत्र थे उसमें से एक यादव बहुल विधानसभा हुआ करता था अत्री। वो यादव बहुल विधानसभा क्षेत्र को 2008 में नवादा से बाहर कर दिया गया और उसकी जगह पे एक दूसरा विधानसभा बरबीघा लाया गया, नवादा का हिस्सा बनाया गया और वो बरबीघा भूमिहार बहुल था। तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक
यादव बहुल को हटाया गया नवादा क्षेत्र से और एक भूमिहार बहुल को लाया गया। इससे पूरा का पूरा कास्ट जो कम्बिनेशन है वहाँ का चेंज हो गया। जहाँ पे यादव और भूमिहार मतलब टक्कर में होते थे, कोई भी किसी को हरा सकता है, यादव ज़्यादा थे भूमिहार से संख्या के मामले में, वहाँ पे अब भूमिहार से कम हो गए हैं यादव। ये 2008 के परिसीमन का आपको इफेक्ट दिखेगा। आज भी 6 विधानसभा है, लेकिन एक जो शिफ्ट हुआ इसके कारण ये वहाँ पे अल्टा पल्टी जो भी हुआ वहाँ पे, वो नवादा लोकसभा क्षेत्र में ने भूमिहार नवादा लोकसभा क्षेत्र को उसने भूमिहार बहुल बना दिया। और उसी का असर है कि 2009 से लेकर के आज तक नवादा लोकसभा क्षेत्र से सिर्फ और सिर्फ भूमिहार उम्मीदवार ही चुनाव जीत रहे हैं। और इस बार भी शायद कोई ना कोई भूमिहार ही चुनाव जीतेगा, ऐसा तो खबर तो ये भी आ रही है कि इस बार शायद आरजेडी भी कोई भूमिहार कैंडिडेट को उतार दे। 2009 में तो ऐसा हो गया था कि पहले और दूसरे नंबर पर भूमिहारी रहे थे, सूरज भान सिंह की पत्नी और भोला सिंह बीजेपी से, और एलजेपी से सूरज भान सिंह की पत्नी रही थी, जबकि जो राजबल्लभ यादव हैं वो तीसरे नंबर पर चले गए थे और कौशल यादव चौथे नंबर पर चले गए थे। 2009 से लेकर 2019 तक नवादा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी लड़ाई राजबल्लभ यादव, उनका परिवार और एनडीए के बीच में हुआ। एनडीए में हमेशा चेंज होते रहा है, लेकिन आरजेडी से लगातार राजबल्लभ यादव ही लीड वहां से लेते रहे, आरजेडी को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। अब अगर नवादा विधानसभा को पॉलिटिकली अगर देखा जाए, राजनीतिक तौर पे देखा जाए, तो पिछले 5 दशक से नवादा के अंदर दो सबसे बड़े पावरफुल लोकल पॉलिटिकल जो फैमिली थी है वो दोनों यादव फैमिली है, एक राजबल्लभ यादव जी का और एक कौशल यादव जी का। लेकिन दूसरी तरफ जो नवादा में भाजपा और एनडीए बार बार चुनाव जीत रही है, उनके पास कोई लीडर नहीं है। यहाँ पे नवादा में भूमिहारों के लिए यानी कि बीजेपी के लिए जो विरोधी पार्टी है उसके लिए कमान हमेशा कोई बाहरी जनबली होता है, या बाहर से कोई धनबली आता है, या फिर कोई बाहुबली बाहर से आकर के लड़ता है, और नवादा को, नवादा के बीजेपी के, नवादा के एनडीए को बाहर के किसी न किसी कैंडिडेट पर निर्भर रहना पड़ा है पिछले 4-5 दशक से। 2009 में बेगूसराय से भोला सिंह आए, 5 साल जीतकर यहाँ पर रहे, और फिर 14 में हिंदू सम्राट गिरिराज सिंह बढ़िया से आए यहाँ पे, उसके बाद फिर वो भी जीत के चले गए 5 साल, और उसके बाद फिर मोकामा से दूसरे बाहुबली सूरज भान सिंह के भाई चंदन सिंह आए। अब सुनने में आ रहा है कि 5 साल उनका पूरा हो गया है तो अब वो भी जा रहे हैं। सेम पैटर्न मैंने आपको 2004 तक बताया था कि कैसे एक बार से ज़्यादा कोई यहाँ पे सांसद लड़ता नहीं था। पूरे नवादा के इतिहास में मात्र एक सांसद हैं जो कांग्रेस के 1984 और 1980 के, जो 2 बार चुनाव जीते हैं, 2 बार चुनाव यहाँ से, बाकी तो लड़ते तक नहीं है यहाँ से चुनाव 2 बार, वो 5 साल राज करते हैं और चले जाते हैं। और अब 2024 में भी नवादा में से चंदन सिंह भागने वाले हैं तो कोई नया ही बीजेपी की तरफ से आने वाले हैं। इसके पहले गिरिराज सिंह 2014 में नवादा से सांसद बने और बाद में 2019 में भाग करके बेगूसराय चले गए थे। भोला सिंह 2009 में नवादा से सांसद बने और 14 में भाग करके फिर से वापस बेगूसराय चले गए। आज़ादी से लेकर के आज तक हर बार बाहरी व्यक्ति को सांसद बनाने वाला नवादा पहली बार 2018-19 में स्थानीय सांसद की मांग उठाया था पहली बार, लेकिन वो मांग भी उठने से पहले ही मर गया था। दरअसल हुआ ये था 2018-19 में कि बात यहाँ से शुरू होता है कि ये हवा उड़ने लगी थी 2018 में ही कि गिरिराज सिंह 2019 में चुनाव नहीं लड़ेंगे नवादा से। जब ये हवा उड़ी तो बीजेपी के अंदर हिसुआ के विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के 4 बार विधायक रह चुके हैं अनिल सिंह, वो बीजेपी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं थे उस समय पे, क्योंकि 4 बार वो जीत चुके हैं, तो उनके जो समर्थक थे या उनके, या उन्होंने कह सकते हैं कि उन्होंने शायद करवाया हो, वो टिकट मांगने लगे। और उस टिकट मांगने के प्रयास में, नवादा से टिकट मांगने के प्रयास में, उन्होंने गिरिराज सिंह के खिलाफ पोस्टर लगा दिया या लगवा दिया या उनके समर्थकों ने लगा दिया कि हमारे जो सांसद हैं वो गायब हैं। बाहरी के खिलाफ एक कहीं ना कहीं कैंपेन किया गया ताकि अनिल सिंह को की दावेदारी मजबूत हो। अनिल सिंह के समर्थकों ने गिरिराज सिंह को बाहरी करके कह करके गिरिराज सिंह के खिलाफ खूब पर्चा पोस्टर लगाया, और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से स्थानीय नवादावासी को भाजपा की तरफ से टिकट देने का आग्रह भी किया गया। लेकिन अंत में हुआ वही जो केंद्रीय नेतृत्व चाहती है, नवादा को स्थानीय व्यक्ति को खास करके अनिल सिंह को नहीं दिया गया, क्योंकि एक तरह का ये विद्रोह था, पार्टी के लाइन के खिलाफ काम करना था, और गिरिराज सिंह मोदी के कैबिनेट के मंत्री थे और मोदी के काफ़ी चहेते हैं, इसलिए
अनिल सिंह को टिकट नहीं देने की जगह पे लोजपा को ये टिकट दे दिया गया और लोजपा से फिर से मोकामा से बाहुबली के भाई सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह आते हैं और वो यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं और वो टिकट लेकर के आते हैं, जीत भी जाते हैं 2019 में। लेकिन उसके बाद फिर 2019 में चंदन सिंह आके जीत तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद अनिल सिंह की ये जो हालत हुई उसको अगले 2020 के विधानसभा चुनाव में आप देख सकते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में अनिल सिंह को बीजेपी की तरफ से टिकट लेना आफत पड़ गया था। टिकट किसी तरह से वो मैनेज कर लिए, मिल भी गई, लेकिन 2020 का चुनाव वो हार गए थे और कहते हैं कि हराने में एक बहुत बड़ा रोल बीजेपी के लोग थे, खास करके केंद्रीय नेतृत्व, और नाम खास करके आता है गिरिराज सिंह ने वहाँ पे अनिल सिंह को खड़ा होकर के हरवाया था। ऐसा अफवाह नवादा में है, हमें सत्यता की जांच नहीं कर सकते हैं। अब 2024 में जब फिर से खबर आ रही है कि चंदन सिंह नवादा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अनिल सिंह को पता है कि हमें तो विधानसभा का पिछला मिला नहीं, तो अब क्या मिलेगा। तो अनिल सिंह एक्टिव हो गए हैं, लेकिन फिर किस लिए? लोकसभा का चुनाव टिकट तो नहीं मिलेगा उनको, ये तय है, शायद अगला चुनाव का 25 में भी नहीं मिले। लेकिन लगातार 4 बार विधायक का चुनाव जीत चुके अनिल सिंह को जब 2019 में टिकट नहीं दिया गया, तो 2020 में हिसुआ का विधायक का चुनाव हार जाने के बाद, हिसुआ में नहीं मिल रहा था, तो विधायक का चुनाव हार जाने के बाद अनिल सिंह भाजपा को टिकट कैसे दे सकती है? ये लगभग असंभव सा लग रहा है। लेकिन खबर ये भी आ रही है, एक्टिव अनिल सिंह इसलिए हुए हैं कि खबर ये आ रही है कि अनिल सिंह आरजेडी के संपर्क में है, तेजस्वी यादव से उनके साथ मीटिंग हो गई, और मोहम्मद कामरान जो गोविंदपुर के विधायक हैं आरजेडी से, वो इसमें बिचौलिए की भूमिका निभा रहे हैं और किसी तरह से वो चाहते हैं कि एक भूमिहार को, स्थानीय भूमिहार को आरजेडी इस बार वहां से टिकट दे और उसके जीतने की संभावना बढ़ सकती है, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि आरजेडी को पता है कि नवादा में, अगर नवादा लोकसभा क्षेत्र में अगर चुनाव जीतना है, तो आरजेडी को भी नवादा में भूमिहार उम्मीदवार को ही ढूंढना पड़ेगा। हालांकि भूमिहार उम्मीदवार उनके पास एक आज तक है नहीं, कोई मिला नहीं है, और नवादा में कोई स्थानीय भूमिहार नेता जिसकी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है तो वो है अनिल सिंह। मैं कह रहा हूं कि लोकल में, बाहर के फिर एक्सेप्टेबिलिटी में बढ़ जाएगा, अलग कोई और नाम आ जाएगा, लेकिन लोकल में अनिल सिंह की सबसे ज्यादा भूमिहारों के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी है, उसके अलावा कोई नेता नहीं है वहां पे भूमिहारों का। आरजेडी अनिल सिंह की तरफ से इसलिए, अनिल सिंह को इसलिए भी देख रही है आरजेडी के लिए, क्योंकि आरजेडी के जो पारंपरिक सबसे मजबूत नेता नवादा में थे, जो बार बार सेकेंड पोजिशन पर आते हैं, राजवल्लभ यादव, वो अब जेल जा चुके हैं। राजवल्लभ यादव जी जो है वो एक रेप के केस में 2018 में जेल जा चुके हैं, उनको सजा भी मिल चुकी है, वो चुनाव लड़ भी नहीं सकते हैं। हालांकि उनकी पत्नी को 2019 में आरजेडी ने टिकट दिया था, लेकिन वो हार गई थी। उसके बाद फिर विधायक का भी 2020 के में उनको टिकट दिया गया उनकी पत्नी को, और वो जीती हैं। और राजवल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव नवादा से आजकल MLC भी है, यानी कि उस परिवार में आज के डेट में एक MLA और एक MLC भी है, सबसे मजबूत परिवार माना जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में यानी कि 2019 में राजवल्लभ यादव की पत्नी आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ी थी, लेकिन लगभग 1.5 लाख वोट से चंदन सिंह से हार गई थी। आरजेडी राजवल्लभ यादव के परिवार को टिकट इसलिए भी नहीं देना चाहती है इस बार, क्योंकि साल 2022 में हुए MLC चुनाव में राजवल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव जो MLC हैं नवादा से, वो आरजेडी से MLC का टिकट नहीं मिलने के बावजूद पार्टी के खिलाफ खड़ा होकर के और निर्दलीय चुनाव वो जीते थे। 2022 में उस MLC चुनाव में तेजस्वी यादव खुद आरजेडी के कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए नवादा में अपना हेलीकॉप्टर उतारते हैं, लेकिन उसके बावजूद आरजेडी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर चला जाता है और NDA का कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहता है, और निर्दलीय लड़ते हुए अशोक यादव वो चुनाव जीत जाते हैं आरजेडी का विरोध करते हुए। हालांकि अशोक यादव पहले भी चुनाव लड़ने से पहले और चुनाव जीतने के बाद भी बार बार ये कहते रहे कि वो है आरजेडी के ही, वो बस इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि जिस भी कैंडिडेट को आरजेडी टिकट दे रही है वो गलत कैंडिडेट है और वो पहले भी आरजेडी के थे और आगे भी आरजेडी के ही रहेंगे। चुनाव जीतने के बाद भी आज भी अशोक यादव आरजेडी के ही साथ हैं, लेकिन अगर तेजस्वी यादव जी अशोक यादव और राजवल्लभ यादव के परिवार को MLC चुनाव में आरजेडी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने के हिम्मत करने का सजा देना चाहती है, तो इस बार 2024 में
लोकसभा चुनाव में आरजेडी नवादा से लोकसभा टिकट राजवल्लभ यादव या राजवल्लभ यादव के परिवार, पत्नी या भाई, बिंदु यादव का नाम आ रहा है, राजवल्लभ यादव के भाई का, उनको टिकट के लिए, उनमें से किसी को टिकट नहीं देगी। अगर बदला लेना है तो, अगर पार्टी विरोध के, पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप में अगर उनको सजा देना है तो। इसके अलावा आरजेडी को ये भी पता है कि नवादा में अगर, नवादा से अगर लोकसभा चुनाव जीतना है तो किसी भूमिहार को ही टिकट देना पड़ेगा, क्योंकि नवादा में अभी तक यही चल रहा है कि भूमिहार ही लोकसभा क्षेत्र से वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। 2009 का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि पहले और दूसरे नंबर पर भूमिहारी कैंडिडेट रहते हैं, ये तीसरे नंबर पर चले जाते हैं। उसके ऊपर से तेजस्वी यादव आरजेडी का स्वरूप बदलने की बार बार घोषणा भी कर रहे हैं। वो कई बार 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 ये बोल चुके हैं कि आरजेडी ए टू जेड की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है, वो किसी एक माई की पार्टी नहीं है। जो आरजेडी लालू यादव के समय में मुस्लिम और यादवों की पार्टी मानी जाती थी, जो लालू यादव की आरजेडी सबसे ज़्यादा जहर भूमिहारों के खिलाफ उगलती थी, जो आरजेडी भूमिहारों के ऊपर तंज कसती थी, उनके खिलाफ भूरा बाल साफ करो और जब तबला बजेगा धिन धिन तो एगो पे नाचेगा तीन तीन जैसे नारे लगाती थी, यानी कि भूमिहारों के ऊपर एक तीन तीन लोग नाचेंगे, और नवादा में तो ये भी नारा लगता था कि छतरी के नीचे आजा भीगे रे बहना खड़ी खड़ी, ऐसे गाना गा करके भूमिहारों के ऊपर तंज किया जाता था पूरे बिहार में और पूरे नवादा में। ऐसे लालू यादव वाली आरजेडी अब तेजस्वी यादव जी के समय में भूमिहारों को रिझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उसके ऊपर से अगर आरजेडी अनिल सिंह को टिकट दे देती है तो आरजेडी नवादा में भीतरी और बाहरी का कार्ड खेल सकती है बहुत आसानी से, क्योंकि भाजपा नवादा में कोई भी स्थानीय कैंडिडेट चुनाव में नहीं उतारने वाली, क्योंकि उनके पास है भी नहीं। एक अनिल सिंह थे, वो भी अब हट चुके हैं, उनको मुश्किल से दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा के पास अनिल सिंह के अलावा कोई और है ही नहीं बड़ा नेता। खबर तो यहाँ तक भी आ रही है अब कि JNUSU के जो पूर्व छात्र अध्यक्ष हैं कन्हैया कुमार, उनका भी नाम आ रहा है यहाँ से, नवादा से सर्वे वहाँ पे वो करा रहे हैं, कन्हैया कुमार सर्वे करवा रहे हैं नवादा में, और पूरी संभावना है कि शायद वो कांग्रेस से वहाँ पे उतरे। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वहाँ पे कन्हैया कुमार का जी का भी सर्वे चल रहा था कल तक, और आरजेडी का भी सर्वे अनिल सिंह को लेकर के चल रहा था। अनिल सिंह के साथ बात अगर नहीं बना, सपोज करें कि अगर अनिल सिंह के साथ बात नहीं बना महागठबंधन का, तो हो सकता है कि कांग्रेस को ये टिकट दिया जाए और कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि नवादा में सर्वे तो पिछले साल अनंत सिंह भी करा चुके हैं, ललन सिंह भी करा चुके हैं, और इन दोनों के सर्वे में उन लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट आया नहीं। NDA की तरफ से पिछले साल थोड़े समय, कुछ दिनों के लिए एक गायक हैं, सिंगर हैं, भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह, वो बहुत हाथ पांव मार रहे थे कि भाजपा से वो टिकट लेंगे, हालांकि भाजपा ऐसे टिकट देती नहीं है। नवादा लोकसभा से टिकट पाने के लिए खूब उन्होंने प्रयास किया, लेकिन अब वो भी शांत हो चुके हैं। इसके अलावा भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह भी जी हैं, जो लगभग 2-3 दशक से जुड़े हुए हैं भाजपा के साथ, उन्होंने भी ऐसी हवा उठाया था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, उनका कहीं कोई नाम है नहीं ऊपर के जो नाम आ रहा है चर्चा में। तो ये भी आ रहा है कि अगर नवादा सीट लोजपा को चला जाता है तो जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार, वो वहाँ पे गए भी हैं, इंटरेस्टेड भी हैं नवादा में, वो वहाँ से हाथ आजमा सकते हैं लोजपा की तरफ से। चर्चा गिरिराज सिंह का भी चल रहा है कि वो वापस आ सकते हैं, जिसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन फिलहाल नवादा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में NDA के भीतर लोकसभा टिकट को लेकर के, बंटवारे को लेकर के घमासान मचा हुआ और बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम चलते हैं नवादा के उन तथ्यों के ऊपर जिसके बारे में हम पूरी तरह से जिम्मेदारी से आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ आपको हम कुछ बता सकते हैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है। तो चलते हैं इस सवाल के ऊपर कि आखिर ऐसा क्या है नवादा के अंदर कि यहाँ सिर्फ भूमिहार ही लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं, कम से कम 2004 के बाद जब से ये जनरल सीट हुआ है। मतलब क्या है नवादा का जातीय समीकरण, और वो भी विधानसभा क्षेत्र के स्तर पे क्या जातीय समीकरण है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र ही यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र तय करता है। नवादा जैसे लोकसभा क्षेत्र में जहाँ पे ज़्यादातर उम्मीदवार नवादा के बाहर के होते हैं, यहाँ इस तरह का एनालिसिस विधानसभा के स्तर पर ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ उम्मीदवार तो बाहर ही होता है,
वहां तो चुनाव विधानसभा स्तर के ऊपर ही लड़ा जाता है, और विधानसभा के जो नेता होते हैं, जो विधायक होते हैं, जो विधायक नहीं जीतते हैं उपविजेता होते हैं, जो पंचायत स्तर के नेता होते हैं, यही लोग मिलकर के चुनाव लड़ाते हैं। अगर आपको नवादा में जीतना है तो विधायक के स्तर पर और पंचायत के स्तर पर जितने भी नेताएँ हैं उन सबको एक साथ कर लीजिए, अपने पास कर लीजिए, आप जीत सकते हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व का चेहरा भी महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि भाजपा के लिए मोदी जी का चेहरा है महत्वपूर्ण, लेकिन आरजेडी के लिए लालू यादव का चेहरा महत्वपूर्ण है, तेजस्वी यादव जी के लिए आरजेडी के लिए तेजस्वी यादव का भी चेहरा महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी का चेहरा महत्वपूर्ण है, लेकिन नवादा में उनका रोल कम होता है। जो लोकल समीकरण है, लोकल जो लीडर है, जो इन्फ्लुएंसर है, उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम बात करते हैं विधानसभा के स्तर के ऊपर नवादा में क्या स्थिति है। जैसा कि हमने इस वीडियो के में पहले भी आपको बताया था कि नवादा में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, और उसमें से आज भी 3 विधानसभा क्षेत्र भूमियार बहुल हैं, और बाकी का 3 जो है उसमें से 2 यादव बहुल है, और एक में यादव और भूमियार लगभग लगभग बराबर ही है। कोई कहता है ये ज़्यादा है, कोई कहता है वो ज़्यादा है। आज भी नवादा के 6 में से 3 विधायक भूमियार हैं, जहाँ 3 भूमियार बहुल हैं, और एक यादव है, एक मुस्लिम है, और एक दलित है, क्योंकि वो दलित वाला जो सेठ है रजौली है वो आरक्षित है विधानसभा दलितों के लिए। अब एक एक करके समझ लेते हैं विधानसभा, जो लोकसभा नवादा लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो 10 विधानसभा क्षेत्र, 6 जो विधानसभा क्षेत्र है उनका अलग अलग हम लोग जातीय समीकरण को समझ लेते हैं कि अब ये भी समझ लेते हैं कि कौन कहाँ का बड़ा नेता है, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो शुरू करते हैं हम नवादा विधानसभा क्षेत्र से ही। नवादा विधानसभा क्षेत्र में 1990 से लेकर के आज तक सिर्फ यादव उम्मीदवार ही चुनाव जीते हैं, कोई और दूसरा नहीं जीत पाया है। इसके पहले 2 भूमिहार कांग्रेस से नरेंद्र कुमार और कम्युनिस्ट पार्टी से गणेश शंकर विद्यार्थी 3 बार भूमिहार के यहाँ से नवादा से विधायक रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद पिछले 3 दशक से नवादा में भूमिहारों का दबदबा जो है वो खत्म हो चुका है, यादवों का दबदबा है। नवादा में 1990 से लेकर के आज तक 2 यादव परिवारों का दबदबा है, यानी कि यादव का परिवार नवादा विधानसभा में है, लेकिन उस यादव के अंदर भी 2 यादव परिवारों का दबदबा रहा है। इन 3 दशकों से, यानी कि 90 से लेकर के आज तक, राजवल्लभ यादव के भाई कृष्णा प्रसाद यादव, राजवल्लभ यादव के जो पत्नी हुई और जो राजवल्लभ यादव खुद हुए, ये तीनों मिला करके 5 बार विधायक रह चुके हैं नवादा से। उसके अलावा कौशल यादव और उनका परिवार, यानी कि उनकी पत्नी, मिला करके 4 बार विधायक रह चुके हैं नवादा से। नवादा जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे 75,000 लगभग आसपास भूमियार वोटर है, और यादव फिर भी यादव यहाँ से कैसे जीत जाते हैं ये सवाल है, क्योंकि 1990 के बाद 35-40 हज़ार मुस्लिम वोटर जो हैं वो लालू यादव की तरफ उनकी सेकुलर छवि के कारण शिफ्ट हुए हैं, और जब 35-40 हज़ार मुसलमानों का वोट और यादवों का वोट जो लगभग 60-65 हज़ार के वो मिल जाता है, तो वो फिर भूमियारों को दबा देता है। जबकि नवादा से कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है, जैसे जैसे कांग्रेस खत्म हुई वैसे वैसे मुसलमान वोटर वहाँ के नवादा से शिफ्ट होकर के कांग्रेस से शिफ्ट होकर के आरजेडी की तरफ चले गए हैं। इसलिए नवादा में मुस्लिम के पास यादव को वोट देने के अलावा, आरजेडी को वोट देने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। इन दोनों के अलावा 3,000 लगभग बेलदार के वोटर हैं, वेलदार जाति के वोटर हैं, लगभग लगभग 40,000 यहाँ पे दलित वोटर भी हैं, कोइरी कुशवाहा को अगर आप मिला देंगे तो लगभग 35,000 है, उसके अलावा लगभग 25,000 कहार वोटर हैं। तो इसलिए मिला जुला करके नवादा विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी का दबदबा रहता है, क्योंकि आरजेडी यादवों को भी एक मुस्त कर लेती है और दलितों को भी वोट ले लेती है, और मुस्लिम तो उनको वोट देता ही है, इसलिए नवादा से नहीं जीत पाते हैं। तो नवादा विधानसभा क्षेत्र से भी ज़्यादा मजबूत स्थिति यादव की जो है वो गोविंदपुर में, गोविंदपुर दूसरा विधानसभा क्षेत्र है। 1967 में जब गोविंदपुर जब विधानसभा क्षेत्र बनी थी, तब से लेकर के आज तक कौशल यादव के पिता से लेकर के उनकी माँ गायत्री देवी से लेकर के 5 बार गायत्री देवी रही है, 1 बार उनके पिता रहे हैं, और कौशल यादव खुद 3 बार रहे हैं, और फिर कौशल यादव की पत्नी भी वहां से 1 बार विधायक बन चुकी है, यानी कि आजादी से 67 लेकर के आज तक यही लोग उसके यही परिवार वहां पे राज कर रहा है। हालांकि इस बीच एक बार राजवल्लभ यादव के जो भाई थे कृष्णा प्रसाद यादव, वो भी यहां से 1 बार चुनाव जीते हैं, वहां पे खड़े हुए थे। मतलब मिला जुला करके कह लें कि गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में भी कौशल यादव के परिवार का दबदबा रहा है, हालांकि 1 बार राजवल्लभ यादव का तो रहा है ये दबदबा।
हालांकि पिछले चुनाव में मतलब कि 2020 का जो चुनाव हुआ है उसमें कौशल यादव को पटकनी मारी है आरजेडी ने। उसमें हुआ ये है कि आरजेडी की तरफ से मोहम्मद कामरान चुनाव लड़े मुस्लिम सीट को लेकर के, और जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कौशल यादव लड़े थे। तो कौशल यादव को इस चुनाव में हारना पड़ा था और ये 20 साल के बाद उनकी पहली हार थी। ये किला टूटा था कौशल यादव का। कौशल यादव या उनकी माँ या उनकी पत्नी लगातार साल 2000 से यानी कि से गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक बन रहे थे। कौशल यादव पिछले दो दशक से नीतीश कुमार से भी जुड़े हुए हैं, वो किसी और पार्टी में गए भी नहीं है कभी, और राजबल्लभ यादव कभी आरजेडी छोड़ के नहीं गए हैं। इतने ही समय में कौशल यादव अपने छात्र जीवन में कांग्रेस से जुड़े हुए नेता थे। उनके पिता, उनकी माता सब कांग्रेस के लीडर हुआ करती थी। दिल्ली से वो पढ़े लिखे हैं लेकिन नवादा में रंग गए अगर आप तो बिना बाहुबली के तो काम चलेगा नहीं। पढ़े लिखे हैं कौशल यादव, लठैती तो आपको करनी पड़ेगी वहाँ पर राजनीति करने के लिए, इसलिए इनकी छवि भी लगभग वही है जो अनपढ़ राजबल्लभ यादव की है, दबंग वाली छवि। राजबल्लभ यादव और कौशल यादव दो यादव परिवार हैं जिन्होंने गोविंदपुर और नवादा विधानसभा क्षेत्र पे अपना एक छत्र राज कायम कर रखा आज़ादी के बाद से। इन दोनों सीटों पर इन दोनों के खिलाफ टक्कर कोई नहीं दे पाया है, और अगर कोई टक्कर दे पाया है तो ये दोनों खुद टक्कर दे पाए हैं एक दूसरे को। दरअसल कौशल यादव और राजबल्लभ यादव के परिवार के बीच की जो लड़ाई शुरू हुई थी, ये लड़ाई शुरू हुई थी 1995 में, जब राजबल्लभ यादव के भाई कृष्णा प्रसाद यादव की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। हालांकि उसके पहले वो गोविंदपुर से भी लड़े थे तो वहां से गड़बड़ हुआ था, लेकिन 1995 में ये आया सबसे बड़ा जब मार्किंग पॉइंट आया। मौत होने के बाद राजबल्लभ यादव को आरजेडी ने टिकट देने से मना कर दिया। तो 1995 में राजबल्लभ यादव निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं और कौशल यादव को कांग्रेस से टिकट मिलता है, लेकिन कौशल यादव को राजबल्लभ यादव निर्दलीय लड़ते हुए भी हरा देते हैं चुनाव, और कौशल यादव कांग्रेस के टिकट पर हार जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर नवादा में तब से लेकर के आज तक इन्हीं दोनों परिवारों के बीच झगड़ा चल रहा है। नवादा विधानसभा क्षेत्र में भी और नवादा लोकसभा क्षेत्र में, दोनों जगह पे कौशल यादव जी के परिवार का पारंपरिक सीट जो हुआ करता था वो गोविंदपुर हुआ करता था, और राजबल्लभ यादव जी का परिवार का पारंपरिक सीट नवादा विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन 1995 में कौशल यादव की माँ गोविंदपुर से विधायक बनी और खुद कौशल यादव नवादा से घुस करके राजबल्लभ यादव के नवादा में जो साम्राज्य था उसको खत्म करने के या तोड़ने का प्रयास करते हैं। हालांकि वो हार जाते हैं लेकिन प्रयास जरूर करते हैं। यहाँ से खटास दोनों में आना शुरू होता है। अब अगले यानी कि 2005 के चुनाव में कौशल यादव ने अपनी पत्नी पूर्णिमा यादव को नवादा से खड़ा किया राजबल्लभ यादव को, और हरा भी दिया। इसके बाद फिर लगातार 3 बार राजबल्लभ यादव की कौशल यादव के हाथों नवादा की विधानसभा क्षेत्र में हार होती है। यानी कि ये 2000 से लेकर के 2015 तक बार बार कौशलेंद्र यादव, ये राजबल्लभ यादव वहाँ से चुनाव हारते हैं, और कौशल यादव गोविंदपुर में भी अपना दबदबा बनाते हैं और नवादा में भी अपना दबदबा बना चुके होते हैं। यानी कि राजबल्लभ यादव बहुत कमजोर पड़ चुके होते हैं इस दौरान। लेकिन इस हार के बावजूद राजबल्लभ यादव बार बार हार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आरजेडी ने इनके ऊपर विश्वास जताया। 5 में भी इनको टिकट दिया, 10 में भी इनको टिकट दिया, और 9 जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें भी इन्होंने आरजेडी ने राजबल्लभ यादव को ही टिकट दिया। आरजेडी के प्रमुख लोकल फंडर माने जाते हैं राजबल्लभ यादव आरजेडी के लिए। दूसरी तरफ कौशल यादव गोविंदपुर में खुद और नवादा विधानसभा क्षेत्र में अपनी पत्नी को जिताते रहे इस दौरान। इस बीच कौशल यादव और राजबल्लभ यादव दोनों 2009 का नवादा लोकसभा चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं। क्योंकि 2009 में ये हुआ था कि 2009 में आरजेडी यूपीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी तो वो सीट लोजपा को चला गया था, तो यूपीए की तरफ से नवादा लोकसभा क्षेत्र में लोजपा के खाते में गया था, और लोजपा ने एक भूमिहार को सूरजभान सिंह की पत्नी को वहाँ पर टिकट दे दिया था। तो राजबल्लभ यादव नवादा से आरजेडी के उम्मीदवार नहीं बन पाए थे, उनको टिकट नहीं मिला था, तो वो निर्दलीय खड़े हो गए थे। इसी तरह से जेडीयू की तरफ से जो एनडीए की तरफ से लड़ रही थी जेडीयू, और ये सीट बीजेपी को गई थी, तो नवादा सीट एनडीए की तरफ से भाजपा को मिलने के कारण यहाँ पे भोला सिंह लड़े थे। तो कौशल यादव जेडीयू
से टिकट नहीं मिलने के कारण वो भी लड़ लिए थे। लेकिन कौशल यादव और राजबल्लभ यादव दोनों निर्दलीय चुनाव लड़े और दोनों एनडीए या यूपीए के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़े थे, बल्कि वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। यानी कि कौशल यादव राजबल्लभ के यादव के खिलाफ लड़ रहे थे, राजबल्लभ कौशल के यादव के खिलाफ लड़ रहे थे। इसके बाद जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ तो एलजीपी एनडीए में चली गई, जेडीयू एनडीए से अलग हो गई और आरजेडी भी न तो यूपीए में थी, न तो एनडीए में थी, न ही वो जेडीयू के साथ कोई अलायंस की थी। नवादा सीट में यूपीए की तरफ से आरजेडी को मिली थी और आरजेडी ने राजबल्लभ यादव को टिकट 2014 में दिया। दूसरी तरफ जेडीयू भी अकेले चुनाव लड़ी थी, तो इनके पास सबसे बड़ा जो नेता है जेडीयू के पास नवादा के अंदर वो कौशल यादव है, कौशल यादव को टिकट दे दिया गया। राजबल्लभ यादव दूसरे नंबर पर रहे और कौशल यादव तीसरे नंबर पर चले गए थे इस लोकसभा चुनाव में। और ये आपके नौवीं पैटर्न देखेगा कि राजबल्लभ यादव का थोड़ा सा ज्यादा वोट लोकसभा चुनाव में मिल जाता है कौशल यादव की तुलना में, क्योंकि ये माना जाता है कि कौशल यादव का हर क्षेत्र में, राजबल्लभ यादव का हर क्षेत्र में वोट होता है, कौशल यादव का हर क्षेत्र में नहीं होता है। गिरिराज सिंह भाजपा से यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन राजबल्लभ यादव और कौशल यादव की लड़ाई जारी रही जीतने के हारने के बाद भी गिरिराज सिंह के, दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, लेकिन इस लड़ाई पर थोड़े समय के लिए विराम लगा 2015 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था और बिहार विधानसभा के चुनाव में आरजेडी और जेडीयू लालू यादव नीतीश कुमार एक साथ आए थे, महागठबंधन बना था और इस महागठबंधन में नवादा की सीट राजबल्लभ यादव को मिली थी, आरजेडी को मिली थी। तो हुआ ये था कि कौशल यादव गोविंदपुर और हिसुआ दो सीट लिए और नवादा से राजबल्लभ यादव को एक सीट दिया गया था। गोविंदपुर से कौशल यादव चुनाव उनकी पत्नी लड़ी, लेकिन हिसुआ से कौशल यादव खुद लड़े लेकिन वो हार गए, गोविंदपुर से वो जीत गए उनकी पत्नी। हिसुआ पर थोड़ी देर के बाद हम आएंगे पूरा डिटेल में लेकर के, लेकिन थोड़ा सा कौशल यादव और राजबल्लभ यादव की लड़ाई की कहानी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी आएगा स्टोरी में थ्रिल, मतलब ट्विस्ट जिसको बोलते हैं। महागठबंधन के कारण कौशल यादव नवादा विधानसभा सीट पर राजबल्लभ यादव के लिए छोड़ने को तो तैयार हो गए थे, लेकिन दोनों के बीच की दुश्मनी खत्म नहीं हुई थी, कम नहीं हुई थी। नवंबर 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था और एक साल के भीतर राजबल्लभ यादव उसमें जीत गए थे, लेकिन एक साल के भीतर राजबल्लभ यादव के ऊपर एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का आरोप लगता है, उसमें वो फंस जाते हैं, प्रूफ भी होता है, आरजेडी से उनको निष्कासित भी कर दिया जाता है और जेल भी चले जाते हैं, उनको सजा भी मिल गई है और अब वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ये लालू यादव जी की नहीं, तेजस्वी यादव जी की आरजेडी थी, अपने जंगल राज की छवि से बाहर आने का हर संभव प्रयास कर रहे थे तेजस्वी यादव जी और उनका आरजेडी, और उसके ऊपर से आरजेडी जेडीयू के साथ गठबंधन में थी, सुशासन बाबू के साथ महागठबंधन में थी, इसलिए राजबल्लभ यादव नाप दिए गए। आज भी वो जेल की हवा काट रहे हैं। हालांकि नवादा के स्थानीय लोगों की माने तो राजबल्लभ यादव को इस रेप केस में फंसाने का पूरा खेला कौशल यादव ने खेला था। हालांकि हम इसकी सत्यता की जांच नहीं कर सकते, लेकिन लोकल लोग यही कहते हैं, क्योंकि नवादा से लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कौशल यादव को इसी राजबल्लभ यादव के कारण नवादा छोड़ना पड़ा था महागठबंधन बनने के बाद और हिसुआ जाना पड़ा था जहां से उनकी हार हो गई थी। इस हार का और इस नवादा के सीट को लॉस का बदला राजबल्लभ यादव से लिया गया उनको जेल भेज करके कौशल यादव के द्वारा। जेल जाने के बावजूद आरजेडी और जेडीयू की सरकार टूट गई, वो सुशासन वाला चला नहीं। जेल भेजने के बावजूद सुशासन बाबू सरकार तोड़ दिए। इस सुशासन बाबू के प्रेशर में आरजेडी ने भले ही राजबल्लभ यादव को जेल भेज दिया हो, लेकिन आरजेडी का राजबल्लभ यादव के परिवार के ऊपर भरोसा खत्म नहीं हुआ था, कम नहीं हुआ था। पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में और फिर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को आरजेडी ने फिर से टिकट दे दिया। 2019 में तो लोकसभा चुनाव में आरजेडी की हार हो गई थी, विभा देवी की हार हुई थी, लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में विभा देवी जीतते हैं, कौशल यादव को हराते हैं और ये तब होता है जब राजबल्लभ यादव जेल में होते हैं। इस बार यानी कि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में राजबल्लभ यादव ने कौशल यादव को न सिर्फ नवादा से हराया बल्कि गोविंदपुर में भी आरजेडी ने खेला किया राजबल्लभ यादव के सहारे।
हुआ ये कि राजीव आरजेडी ने कैंडिडेट उतारा मोहम्मद कामरान को, कौशल यादव के खिलाफ, उनकी पत्नी के खिलाफ खड़ा किया, और कौशल यादव को डबल झटका दिया। गोविंदपुर में भी हारे कौशल और नवादा में भी हारे। हिसुआ वो पहले ही हार चुके थे। तो जिस कौशल यादव के पास दो विधायक हुआ करते थे, खुद और पत्नी दोनों तीन बार लगातार हुए थे, उनके पास आज के डेट में एक भी विधायक नहीं है, सब हारे हुए हैं। ये डबल झटका था, और ये भी कह सकते हैं कि राजबल्लभ यादव को जेल भेजने का ये एक बदला भी लिया था राजबल्लभ यादव या उसके परिवार के लोगों ने। एक और झटका राजबल्लभ यादव के परिवार ने कौशल यादव को दिया, जब 2022 में एमएलसी का चुनाव हो रहा था। एमएलसी के चुनाव में आरजेडी का टिकट नहीं, आरजेडी ने इनके भतीजे को, कौशल राजबल्लभ यादव के भतीजे को टिकट नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद निर्दलीय खड़ा होकर के अशोक यादव चुनाव लड़ते हैं और एमएलसी बनते हैं। लेकिन ये एमएलसी बनने के चक्कर में आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं उनके विरोध करके एमएलसी बनने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि अशोक यादव जी ने राजद को और तेजस्वी यादव को चैलेंज कर दिया है एमएलसी चुनाव जीतने के चक्कर में? आरजेडी के कैंडिडेट के खिलाफ अब वो चुनाव जीत चुके हैं। अब देखना ये है कि तेजस्वी यादव जी राजबल्लभ यादव जी के परिवार से उस एमएलसी चुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट के हार का बदला लेते हैं, आरजेडी के खिलाफ अशोक यादव और लालू राजबल्लभ परिवार के विद्रोह का बदला लेते हैं राजबल्लभ के परिवार से, या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में नवादा टिकट फिर से राजबल्लभ के परिवार को मिलता है। राजबल्लभ के परिवार को मिलेगा तो भतीजा उनका पहले से ही एमएलसी है, पत्नी पहले से ही विधायक है, तो पूरी संभावना है कि बिंदु यादव जो उनके भाई, उनको मिल सकता है टिकट। अगर ऐसा होता है तो, जिसकी संभावना मुझे कम लग रही है, जो अभी जिस रंग में अभी तेजस्वी हैं उससे, उस हिसाब से, हालांकि राजबल्लभ के परिवार में चूंकि उनकी पत्नी पहले से ही नवादा से विधायक है, भतीजा पहले से एमएलसी है, तो लोकसभा चुनाव राजबल्लभ यादव की विधायक पत्नी विभा देवी लड़ेगी, या राजबल्लभ यादव का भाई बिंदु यादव लड़ेंगे, या फिर राजबल्लभ यादव के परिवार से बदला लेकर के नवादा लोकसभा से भाजपा नेता अनिल सिंह चुनाव लड़ेंगे, या फिर महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस को टिकट जाएगा और कन्हैया कुमार यहाँ से ताल ठोकेंगे, ये तो समय ही बताएगा। इसमें आपको 2-4 दिन का समय और लगेगा, बहुत जल्दी ये सीट फाइनल होने वाला है। बात तो यहाँ तक चल रहा है कि कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन दिल्ली को अभी छोड़ते हैं वहीं पे दिल्ली के पास, और कॉन्सेंट्रेट हम लोग फोकस करते हैं पूरा का पूरा नवादा के ऊपर। आखिर ऐसा क्या है अनिल सिंह में, आप इसको समझते हैं कि जो आरजेडी अनिल सिंह के ऊपर दाव लगाने को तैयार है। जैसा कि हमने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया था कि एक तो अनिल सिंह नवादा के लोकल हैं, जो और कोई लीडर नहीं है यहाँ पे, दूसरे में भूमिहार बहुल है नवादा का लोकसभा क्षेत्र, और वर्तमान में सबसे सफल स्थानीय भूमिहार जिसकी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है वो अनिल सिंह ही है। भाजपा में उनकी बन नहीं रही है, उनको पिछले बार टिकट नहीं मिला था, इस बार शायद टिकट भी ना मिले, विधानसभा का टिकट नहीं मिला तो लोकसभा का कहाँ से मिलेगा। और अफवाह गर्म थी कि गिरिराज सिंह ने खुद खड़ा होकर के अनिल सिंह को 2020 का विधानसभा चुनाव हराया है, 2018 में गिरिराज सिंह के खिलाफ पोस्टर लगवाए थे इन्होंने, और उसके ऊपर से ये अफवाह भी गर्म है कि 2020 में अनिल सिंह के चुनाव हारने के बाद, कि हारे हुए विधायक हैं वो, तो 25 में उनको नहीं मिलेगा टिकट, ये इसकी पूरी संभावना है कि बीजेपी अनिल सिंह को अब साइड करेगी, टिकट अब नहीं देने वाली है। उसके ऊपर से हिसुआ के जो अभी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं आदित्य सिंह की पुतहू नीतू सिंह, वो सार्वजनिक तौर पर बोल चुके हैं कि अगर भाजपा उन्हें 2024 में लोकसभा चुनाव में नवादा से टिकट देती है तो वो कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में आने के लिए तैयार है। मतलब वो सीधे अनिल सिंह का खिलाफ ही कर रहे हैं, क्योंकि वो अनिल सिंह को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। मिला जुलाकर अनिल सिंह का भाजपा में तो पत्ता गोल है, लेकिन आखिर अनिल सिंह में कुछ तो खास है कि हिसुआ में जिसके कारण अनिल सिंह 4 बार नेता बने, भूमिहारों के इतने बड़े नेता हो गए हैं, आखिर ये हुआ फिर कैसे? तो जवाब है हिसुआ का जातीय समीकरण में। हिसुआ पूरे लोकसभा नवादा लोकसभा क्षेत्र के सबसे अधिक भूमिहार बहुल विधानसभा क्षेत्र माना जाता है बरबीघा के बाद, और नवादा जिला में सबसे ज़्यादा माना जाता है। हिसुआ में कुल लगभग 4.25 लाख वोटर हैं, उसमें से लगभग 85 से 90 हज़ार भूमिहार वोटर हैं, और यादव लगभग 40 से 45 हज़ार हैं,
उसके अलावा फिर 30 से 35 हज़ार के आसपास कुशवाहा हैं और मुसहर लगभग लगभग 30 से 35 हज़ार हैं, 25 हज़ार के आसपास हैं, रजवार लगभग 30, 35 से 40 हज़ार हैं और टोटल दलित जातियों लगभग 28% यहाँ पे दलित हैं। और यही कारण है कि आज़ादी से लेकर के आज तक हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से बने लगभग सभी विधायक भूमिहार जाति से ही आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में तो पहले और दूसरे नंबर पर, दोनों नंबर पर भूमिहार ही रहे थे, अनिल सिंह और नीतू सिंह दोनों भूमिहार लीडर हैं। पिछले चुनाव में 6 बार विधायक रह चुके भूमिहार नेता अदित सिंह की बहू जो है, वो उनके जो अदित सिंह थे वो 6 बार इसी विधायक रह चुके हैं, इसी यहीं से हिसुआ से। और उसके बाद 4 बार आपके अनिल सिंह रह चुके हैं, जिनको उन्होंने अनिल सिंह ने हराया, अनिल सिंह को इन्होंने हराया। हिसुआ के अलावा नवादा लोकसभा क्षेत्र का बरबीघा जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी भूमिहार बहुल है, जहाँ सबसे ज़्यादा 80 हज़ार वोटर भूमिहार जाति के हैं। कुर्मी कुशवाहा मिलाकर के लगभग लगभग वहाँ पे 40 से 45 हज़ार वोटर हैं। उसके अलावा 25 हज़ार वोटर लगभग बनिया है, मुस्लिम लगभग 15 हज़ार हैं, यादव 10 से 12 हज़ार, सबसे कम यहाँ पे यादव है। पासवान भी लगभग 14-15 हज़ार हैं, मुसहर लगभग लगभग यहाँ पे 12 हज़ार हैं। और बाकी का जो आप मल्लाह, बिंद, डांगी, धोबी, ये सबको अगर आप सबको मिला देंगे तो ये भी लगभग 10-12 हज़ार के आसपास इनका वोटर आता है। यहाँ पे टोटल SC वोटर 22% है। और इस जातीय समीकरण में भूमिहार छोड़ करके कौन जीत सकता है, जिस तरह का यहाँ पे जातीय समीकरण है, अगर बरबीघा को आप 1980 से लेकर के 2005 तक, जब ये SC हुआ करता था, जब ये आरक्षित सीट हुआ करता था, तो बरबीघा का वही हाल रहता था जैसा कि हिसुआ का हुआ करता था, कि भूमिहारों का एक तरफा राज हुआ करता था। ये वही बरबीघा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू वहाँ से चुनाव लड़े, उनके बेटे भी वहाँ से चुनाव लड़े थे। आजकल राजू बाबू वहीं से चुनाव लड़ते थे, वहाँ से जीतते थे। और आजकल राजू बाबू के जो अभी यहाँ से सांसद हैं वो राजू बाबू के पोते हैं। हालांकि 1980 से लेकर 2005 के बीच में ये सीट आरक्षित रहा था, तो 80 से 2005 में यहाँ पे बिहार सरकार के जो अभी मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनके पिताजी महावीर चौधरी बरबीघा से चुनाव लड़ते थे और लगातार जीते भी हैं। लेकिन उसके बाद फिर 2008 में परिसीमन हुआ और परिसीमन के बाद वो फिर सीट आरक्षित नहीं रहा, जिसके कारण इस सीट पर फिर से भूमिहारों का राज का वापसी हो गया। वैसे जब 4 बार महावीर चौधरी यहाँ से विधायक थे, तब ये भी कहा जाता है कि वो तो नाम के विधायक हुआ करते थे। महावीर चौधरी का सारा फंड, सारा काम जो होता था वो राजू सिंह किया करते थे, सारे निर्णय राजू सिंह करते थे। राजू सिंह एक भूमिहार लीडर थे, दक्षिण बिहार के सबसे मजबूत लीडरों में से एक माने जाते थे। अब पिछले 2 बार से बरबीघा में राजू सिंह के पोता सुदर्शन कुमार विधायक बने हुए हैं, उन्हीं के पोता। एक बार कांग्रेस के टिकट से जीते हैं वो, और दूसरी बार वो जेडीयू के, अभी वो जेडीयू के टिकट से हैं। अभी उनके ही वापस मतलब तोड़ने ओढ़ने में उनका भी नाम आया था। अभी 2 महीने पहले ललन सिंह और अशोक चौधरी में जो झगड़े हुए थे वो इसी बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के कारण हुआ था। और उस झगड़े के बाद ललन सिंह जी को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हाथ धोना पड़ा था। हालांकि वो वही झगड़ा ही सिर्फ कारण नहीं था, बहुत सारे उसके एंगल थे, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है। तो झगड़ा कुछ यूँ हुआ था कि बरबीघा के वर्तमान विधायक सुदर्शन कुमार ललन सिंह के करीबी हैं, और दूसरी तरफ अशोक चौधरी तो SC है, लेकिन बरबीघा विधानसभा सामान्य होने के बाद भी बरबीघा से 2010 के चुनाव में वो लड़े, लेकिन वो हार गए। उन्हें तो ये अंदाजा ही नहीं था कि बरबीघा में बिना भूमिहार कार्ड के कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता है। जब तक राजू सिंह जिंदा थे तब तक अशोक चौधरी या उनके पिताजी जो महावीर चौधरी थे वो बरबीघा से जीत रहे थे, क्योंकि राजू सिंह के कारण वो जीत रहे थे। लेकिन जैसे ही सितंबर 2005 में राजू सिंह की हत्या हुई, उसके बाद अशोक चौधरी भी वहां से चुनाव हारे, और 2005 का जो नवंबर वाला है वहां पे महावीर चौधरी भी वहां पे चुनाव हारे हैं। वो एक बार भी बरबीघा से अशोक चौधरी का परिवार फिर दोबारा चुनाव नहीं जीत पाया था। और 2010 में दूसरी बार उनकी हार हुई, अशोक चौधरी बरबीघा से चुनाव लड़ना उसके बाद छोड़ भी दिए। इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बरबीघा में भूमिहारों की क्या ताकत है, थी और शायद आगे भी रहेगी। अब आइए नवादा लोकसभा क्षेत्र का एक और विधानसभा क्षेत्र पर, जहां भूमिहारों की अच्छी खासी पकड़ है, और ये है वारसलीगंज। वारसलीगंज से भी श्री बाबू जो पहले मुख्यमंत्री थे उनके एक बेटे चुनाव लड़े थे, लेकिन वारसलीगंज में भूमिहारों का वो पकड़ नहीं है जो हिसुआ और बरबीघा में है।
संख्या के मामले में अगर आप देखेंगे तो वारसलीगंज में भूमिहार वोटर सबसे ज्यादा है, परसेंटेज के मामले में कम है, परसेंटेज के मामले में टोटल संख्या के मामले में है सबसे ज्यादा। तो अगर आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके लिए फोकस एरिया वारसलीगंज होना चाहिए, लेकिन परसेंटेज के मामले में विधानसभा स्तर पर वहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बरबीघा में कुल वोटरों की संख्या मात्र 2.25 लाख ही है, जबकि वारसलीगंज में विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3.5 लाख वोटर है। तो वोटर के हिसाब से, वोटर के नंबर के हिसाब से जो सबसे टॉप पे है वो आपका बरबीघा हो जाएगा, लेकिन संख्या के मामले में वारसलीगंज बरबीघा से ऊपर हो जाता है। इसमें से 1 लाख वोटर, यानी कि जो ये 3.5 लाख वारसलीगंज में वोटर हैं, उसमें से लगभग लगभग 1 लाख वोटर भूमिहार हैं, और लगभग लगभग 70 से 80 हज़ार वोटर यहाँ पे कुर्मी कुशवाहा का, दो सबसे बड़ी जो जातियाँ हैं वो यहाँ पे यही हैं। यहाँ पे लगभग 80 हज़ार के आसपास दलित वोटर भी हैं, जिसमें से आधा मतलब कि लगभग 40 हज़ार वोटर सिर्फ अकेले मुसहर जो कि दलित हैं, जबकि पासवान आदि जो दलित वोटर बाकी जो छोटे मोटे बचते हैं उनका बहुत कम संख्या है, उनका एक तरफा कहीं कोई वो नहीं है। 30 हज़ार के आसपास यहाँ पे मुस्लिम वोटर भी हैं और लगभग 30 हज़ार ही यहाँ पे यादव वोटर हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यादव नहीं है। यहाँ पर कुर्मी कुशवाहा का और यादव का और मुस्लिम अगर एक साथ आ जाते हैं, उसके ऊपर से थोड़ा सा कोई दलित अगर वोट दे देता है कुछ थोड़ा मोड़ा, तो कुर्मी जाति के उम्मीदवार की यहाँ पे अक्सर जीत हुई है, यादव की यहाँ पे नहीं हुई है। लेकिन जब भी भूमिहार उम्मीदवार को यादव मुस्लिम कुर्मी से थोड़ा सा भी वोट मिल जाता है या फिर भूमिहार एक तरफा हो जाता है तो यहाँ पे भूमिहार का जीत हो जाता है। आज़ादी के बाद 1962 तक यह सीट दलित के लिए आरक्षित थी, लेकिन 1967 में जब ये सीट दलित के लिए आरक्षित नहीं हुई, जनरल हो गई, तो लगातार 2 बार यहाँ पे कुर्मी का उम्मीदवार जीतते हैं और फिर वहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी के, और ये दोनों बार कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर जीतते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कुर्मी जाति का यहाँ साल 1990 में हुई थी जीत, जब यहाँ पे, और इसके बीच में कोई भी कुर्मी नहीं जीत पाता है, डायरेक्ट सारे भूमिहारी यहाँ पे जीतते हैं 1967 से लेकर 1990 तक। यहाँ से बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू के बेटे बंदी शंकर सिंह 2 बार यहाँ से चुनाव जीते और यहाँ पे विधायक बने हैं, लेकिन पिछले 4 चुनावों में से 2 बार भूमिहार जीते हैं और 2 ही बार कुर्मी जाति के उम्मीदवार यहाँ पे चुनाव जीते हैं। 1990 के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में जाति के नाम पर इस सीट पर वोटरों का पोलराइजेशन हुआ है। अखिलेश सरदार जैसे जो बाहुबली हैं खास करके, वो उन्होंने भूमिहार का पोलराइज किया, और दूसरी तरफ कुर्मी के नाम पे अशोक महतो जो गैंग है उनका, उन्होंने कुर्मी वोटरों को पोलराइज किया है यादव को वगैरह साथ लेकर के। और ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहाँ के जो फेमस अशोक महतो हैं, जो खाकी का आपने सीरीज देखा है वो इसी अशोक महतो के क्षेत्र का है, और इसी प्रदीप महतो उन्हीं के क्षेत्र के हैं, और यहीं पे वो ठोक देंगे कट्टा का पार में, ये सब जो अफवाह फैलाई गई थी ये यहीं से हुआ था। अभी फिलहाल पिछले 2 बार से अखिलेश सरदार की पत्नी, यानी जो अखिलेश सिंह की पत्नी है जो जिनका अशोक महतो से साथ टक्कर चलता था, उनकी पत्नी अरुणा देवी यहाँ से भाजपा से विधायक जीत रही है, और उसके पहले प्रदीप महतो जो कुर्मी है वो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। अब चूंकि अशोक महतो भी इसी पिछले साल ही जेल से बाहर आ चुके हैं, तो हो सकता है कि अशोक महतो अपने परिवार में किसी को, किसी भाई को या किसी और सदस्य को अगले चुनाव में प्रदीप महतो के खिलाफ चुनाव में के मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन फिलहाल लोकसभा में अशोक महतो का फैक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावी दिख नहीं रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि अशोक महतो के बाहर आने से कुर्मी वोटर अशोक महतो और प्रदीप महतो के बीच में बटा है, जिससे भूमिहार उम्मीदवार को फायदा होने वाला है विधानसभा में भी और लोकसभा में, क्योंकि जो भी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का वो इनमें से 2 में से 1 को अपने साथ करने का कोशिश करेंगे। अब आइए नवादा लोकसभा क्षेत्र का 6 में से आखिरी विधानसभा क्षेत्र पे, रजौली विधानसभा क्षेत्र। रजौली वो विधानसभा क्षेत्र है जहां आज भी नक्सल आंदोलन कुछ हद तक प्रभावी है, वहां पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहां जितना नक्सल मजबूत है उतना ही यहां पे आरएसएस और हिंदुत्व भी मजबूत है। नवादा का एकमात्र जो विधानसभा क्षेत्र जहां पे जनसंघ और भाजपा 1960 के दशक से लेकर के आज तक लगातार अपना पकड़ बनाए हुए हैं, वो यही रजौली है। भारतीय जनसंघ के बाबूलाल थे 1969 से लेकर के 1969 में सबसे पहली बार वो चुनाव जीते हैं, और उसके बाद फिर 1977 में भी जनता पार्टी में
वो नहीं जाते हैं, जनता पार्टी से उनको टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जनता पार्टी जब बनी थी 1977 में, जब चुनाव लड़ा गया था, तो आरएसएस के लोगों के खिलाफ कई जगहों पे टिकट काटा गया था, बहुत सारे आरएसएस के टिकट को, जेपी के अड़ने के कारण जेपी मना कर देते कि नहीं आरएसएस के लोगों को टिकट नहीं देना है। तो ये निर्दलीय खड़ा हुए 1977 के चुनाव में, और 1977 के उस जेपी के आंधी में ये चुनाव जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा देते हैं और ये निर्दलीय चुनाव वहां से जीत जाते हैं। उसके बाद फिर ये 1990 में भी चुनाव जीतते हैं, 1995 में भी चुनाव जीतते हैं, हालांकि 1990 तक चूंकि बीजेपी बन चुकी होती है, बीजेपी से चुनाव जीतते हैं ये। इस दौरान 1967 से लेकर के 1995 तक जिस भी विधानसभा चुनाव में बाबूलाल जी जीत नहीं पाए, सेकेंड पोजिशन पर वो जरूर रहे थे। यानी कि 67 से लेकर के 1995 तक बाबूलाल जी जो आरएसएस के लीडर थे, बीजेपी के लीडर थे, संघ के लीडर थे, वो या तो पहले नंबर पे रहे चुनाव जीते, या नहीं तो फिर वो चुनाव हारे हैं, दूसरे नंबर पे रहे हैं। इस तरह से 1967 से लेकर 1995 तक अकेले बाबूलाल जी रजौली विधानसभा क्षेत्र में संघ, आरएसएस और भाजपा का दबदबा बनाए रखे थे। हालांकि आखिरी चुनाव 1995 में, आखिरी बार चुनाव इन्होंने लालू यादव की पार्टी की तरफ से लड़ा था, ये अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि उस समय हुआ था, बहुत सारे दलित लोग इनकी तरफ गए थे, फिर यही हुआ कि शुरू हुआ इनके साथ ही, जब पहली बार ये 1995 में लालू यादव की तरफ से चुनाव लड़ते हैं रजौली में, यहाँ से आरजेडी का एंट्री होता है रजौली में, और वो एंट्री के बाद लगातार आरजेडी यहाँ पे अपना दबदबा बनाए हुए आज तक, 1995 के बाद 2005 तक रजौली लगातार आरजेडी के कब्जे में किला बना रहा, और 2010 के चुनाव में नीतीश लहर के बावजूद आरजेडी का किला, मतलब नीतीश के लहर के कारण 2010 में आरजेडी का वो किला टूटा, लेकिन उसके बाद फिर से 2015 में और 2020 में दोनों बार आरजेडी की यहाँ पे जीत हुई है। अभी तक ये जगह जो है वो आरजेडी के पास ही है, ये विधानसभा क्षेत्र। आरजेडी का यहाँ पे इतना दबदबा दो कारणों से है, यहाँ का जातीय समीकरण और दूसरा है यहाँ का नक्सल इतिहास। जातीय रूप से अगर आप रजौली का सबसे ज़्यादा देखेंगे तो यहाँ पे पूरे नवादा लोकसभा में सबसे ज़्यादा यहाँ पे दलित वोटर है, यहाँ पे लगभग 30% दलित वोटर हैं, और उसके ऊपर से लगभग 10% यहाँ पे मुसलमान वोटर भी हैं, और 22-23% यादव भी, यानी कि दलित मुसलमान ये सब मिला देंगे तो एक तरफा इनकी जीत हो जाती है। यहाँ लगभग 3.5 लाख टोटल वोटर हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा 75,000 के आसपास यादव वोटर हैं, और उसके ऊपर 30-35,000 के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। ये दोनों आरजेडी के कोर वोटर हैं, और उसके ऊपर से जो लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा तो भूमिहार का मुश्किल से 20-25,000 यहाँ पे वोटर हैं, और एकमात्र 1952 में यहाँ से चुनाव को छोड़ दें तो यहाँ पे कभी कोई भूमिहार लीडर विधायक नहीं बना है। उस एक चुनाव में भी जो भूमिहार यहाँ इसलिए जीत पाए थे क्योंकि 1952 में भूमिहार बहुल जो वारसलीगंज क्षेत्र है, जो आजकल गया का हिस्सा है, वो रजौली विधानसभा का क्षेत्र का हिस्सा होता था, और वारिसलीगंज और वारसलीगंज दोनों भूमिहार वहाँ पे थे, दोनों इसी का उसका कुछ हिस्सा इसका पार्ट होता था। यानी कि उस समय रजौली भूमिहार में अच्छे खासे वोट थे भूमिहार के, यानी कि उस समय यादव बहुल नहीं था भूमिहार के, इन दोनों रजौली में अच्छे खासे वोट थे, लेकिन उसके बाद जब परिसीमन हुआ 1962 के बाद भूमिहार इसको रिजर्व कर दिया गया 62 से लेकर के, तो दूसरे नंबर पर जरूर रहे भूमिहार, 62 तक यहाँ पर रहे हैं, 67 में इसको रिजर्व किया गया है, क्योंकि यहाँ राजपूत और बनिया का भी थोड़ा मोड़ा 20-25,000 वोटर है, तो ये लोग बनिया जो वोटर हैं और राजपूत जो वोटर हैं ये भूमिहार को ही देते हैं, लेकिन 1967 से ये सीट आरक्षित कर दिया गया और आज तक ये सीट आरक्षित ही है। रजौली में लगभग 30% दलित वोटर में से बेलदार और जो पासी जाति के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, जो अपने विद्रोही और या फिर विद्रोही के या स्वायत्त प्रवृत्ति के लिए क्षेत्र में जाने भी जाते हैं, इसलिए आपको ज़्यादातर रजौली के विधायक आपको इन्हीं दो जातियों से मिलेंगे, पासी नहीं तो रजवार से। यहाँ नक्सल आंदोलन बहुत मजबूत होने के कारण भाजपा आरएसएस इसलिए मजबूत है क्योंकि नक्सल आंदोलन के कारण सभी स्वर्ण जाति के वोटर एकजुट थे इनके खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ। उसके ऊपर से इस विधानसभा क्षेत्र में यानी कि रजौली में पहाड़ी क्षेत्र में आरएसएस ने जो सेवा कर्म होता है आरएसएस का, वो इन्होंने अच्छा खासा काम किया और दलित वोटरों के बीच में आरएसएस की अच्छी पकड़ है यहाँ पे। अब अगर इन 6 के 6 विधानसभा क्षेत्र को जोड़ दें एक साथ और फिर जातीय समीकरण देखें नवादा लोकसभा क्षेत्र का,
तो जातीय समीकरण 2000 जातिगत जनगणना जो 2023 हुआ था उसके अनुसार यहाँ पे लगभग टोटल 27 लाख आबादी थी, जिसमें से 20 लाख के आसपास वोटर होंगे। हालांकि हमारे पास जो डेटा है, जो हमने ये जो स्टडी किया है, ये स्टडी में 2020 वाला डेटा हमने उठाया है, 2020 के डेटा के अनुसार यहाँ पे लगभग 17 लाख के आसपास वोटर हैं, जिसमें से 22 से 25% सबसे ज़्यादा धुमियार वोटर हैं और 20 से 22% के आसपास यहाँ पे यादव वोटर हैं। उसके अलावा फिर लगभग 10% मुसलमान वोटर हैं। दलित के भीतर यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसहर जाति के वोटर हैं, 8% अकेले उनका है, और लगभग 4% पासी हैं, 2.5% के आसपास रजवार हैं, 3% पासवान हैं, और फिर उसके बाद फिर 2% के आसपास चमार हैं, और सवर्णों के अंदर अगर आप देखें तो भूमिहार के अलावा 3% के आसपास राजपूत हैं और ये बनिया हैं, और राजपूत मेरे ख्याल से मुश्किल से 3% बनिया के आसपास हैं। इसके अलावा अन्य पिछड़े वर्ग जो OBC हैं, EBC हैं, उसमें से कुर्मी कुशवाहा के 5 से 6% के आसपास है, और उसमें से भी ज़्यादातर वो वारसलीगंज यानी तो विधान जो हिसुआ विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इसके अलावा 3% राजवंशी हैं और 3% कहार भी हैं। कुछ लोगों का तो हालांकि ये भी मानना है कि नवादा में यादव और भूमिहार बराबर हैं, और कुछ लोगों का ये मानना है कि भूमिहार का थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 50,000 के आसपास का वोट का डिफरेंस माना जाता है यहाँ पे। भूमिहार लगभग संख्या के मामले में देखें तो 4.5 के आसपास हैं, यादव को अगर आप देखेंगे तो 4 लाख के आसपास आ जाता है। इसके अलावा दलित वोटरों का लगभग 4 लाख हो जाता है, और फिर मुस्लिम का लगभग वही 30 के आसपास हो जाता है। तो अगर मुस्लिम यादव वोटर एक साथ आ जाते हैं, संख्या एक साथ उनका हो जाता है, 15% है मुस्लिम, तो उसके ऊपर से अगर मुस्लिम की आबादी अगर यादव के साथ जोड़ करके देखें तो नवादा लोकसभा क्षेत्र में भूमिहार के ऊपर यादव भारी पड़ जाता है। अगर आप यादव और मुस्लिम को एक साथ जोड़ दें तो यादव जो है वो जो गठजोड़ है वो भारी पड़ जाता है भूमिहारों के ऊपर, क्योंकि भूमिहारों के सपोर्ट करने के लिए राजपूत यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे आपके बनिया बहुत कम है। लेकिन 2008 के इस सीट के आरक्षित करने से जनरल किया गया, 8 तक ये आरक्षित था, 2008 के बाद इसको जनरल किया गया, तो अब तक यहाँ पे यादव का चुनाव नहीं जीत पाए हैं, इसके बावजूद कि अगर यादव और मुस्लिम एक साथ वोट करें तो ये लोग अपर हैंड लेते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ यादव वोटर जो है वो बटे हुए हैं, दूसरा कारण ये है कि मुस्लिम वोटर भी यहाँ पे बटे हुए हैं, और तीसरा कारण ये है कि दलित में मुस्लिम यादव को वोट बहुत कम देना चाहते हैं। लेकिन इससे ज़्यादातर जो इसमें से ज़्यादातर जो कारण है वो तर्कसंगत नहीं लगता है। उदाहरण के लिए 2019 में मैं मानता हूँ कि 2009 के चुनाव में सब लोग कौशल यादव भी लड़े, राजवल्लभ यादव भी लड़े, तो उनका वोट बट गया, लेकिन 2019 के चुनाव में जब चुनाव हो रहा था तो उस चुनाव में तो वोट नहीं बटा है, 2019 के चुनाव में कौशल यादव खड़ा नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे तो कम से कम राजवल्लभ यादव को की पत्नी को जीतना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जीती तो जीती थी 2019 के चुनाव में राजवल्लभ यादव की पत्नी 1.5 लाख वोट से वहाँ पे चुनाव हार गई थी। दूसरी तरफ 2009 में दो प्रमुख भूमिहार उम्मीदवार खड़े हुए थे, दो, अगर आप ये कह रहे हैं कि यादव दो खड़े होते हैं इसलिए बढ़ जाता है, तो भूमिहार भी 2009 में दो भूमिहार खड़े हुए थे, और पहले और दूसरे नंबर पर भोला सिंह और सूरजभान सिंह रहे थे, सूरजभान सिंह की पत्नी रही थी, लेकिन उसके बावजूद पहले नंबर पर भोला बाबू रहे थे, दूसरे नंबर पर सूरजभान सिंह रहे थे, राजवल्लभ यादव और कौशल यादव तीसरे और चौथे नंबर पर फेंके चले गए थे। तो इसलिए ये तर्क कि चूंकि यहाँ पे यादव वोट बट जाता है इसलिए वो हार जाते हैं, ये तर्कसंगत नहीं लगता है, क्योंकि भूमिहार वोटर भी दो बटे हैं यहाँ पे 2009 में, दो अलग अलग कैंडिडेट होने के बावजूद भूमिहार के अंदर ही उसके बाद भी पहला और दूसरा नंबर भूमिहार को ही मिलता है। नवादा में भूमिहार की यही ताकत है जिसके कारण 2024 के चुनाव में RJD भी भूमिहार उम्मीदवार अनिल सिंह के ऊपर डोरा डाल रही है। अनिल सिंह के साथ लोकल और बाहरी वाला फैक्टर भी है, क्योंकि अनिल सिंह एकमात्र व्यक्ति होंगे जो लोकल होंगे, तो RJD के साथ अगर वो चले जाते हैं तो वो लोकल बाहरी का फैक्टर खेल सकते हैं, क्योंकि भाजपा की तरफ से जो संभावना जताई जा रही है वो भाजपा के दिग्गज नेता CP ठाकुर हुआ करते थे कभी, डॉक्टर CP ठाकुर, उनके बेटे विवेक ठाकुर का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, उतारने की उसकी संभावना दिख रही है, वो नवादा के हैं नहीं, बाहरी हैं, तो RJD बहुत आसानी से भूमिहार
के अंदर यहाँ पे अंदरी और बाहरी का खेल खेल सकती है। अगर ऐसा होता है तो भाजपा हर संभव प्रयास करेगी कि राजबल्लभ यादव और कौशल यादव निर्दलीय ही सही लेकिन चुनाव लड़े। अगर आरजेडी देती है टिकट अनिल सिंह को तो, क्योंकि अगर ये दोनों चुनाव लड़ेंगे तो यादवों का वोट बटेगा। नवादा में मुसलमान भी आपस में फूटे हुए हैं, यहाँ के मुसलमानों का एक अच्छा खासा आबादी आरजेडी को वोट करता है और एक अच्छा छोटा सा जो सिया आबादी है वो कभी जदयू को तो कभी सुन्नी और सिया का यहाँ पे लड़ाई झगड़ा है जिसके कारण इनका वोट बढ़ता है। रिएक्शन में ये लोग बीजेपी को भी कभी कभी वोट दे देते हैं। हिसुआ में सिया मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, नवादा जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर सुन्नी की आबादी ज़्यादा है और इनके बीच में झगड़े होते रहते हैं। नवादा से सबसे बड़े मुसलमान नेता जो हैं वो दो दशक से सलमान राघिब जी हैं, वो कई बार MLC भी बने हैं। गोविंदपुर से सबसे बड़े मुसलमान नेता मोहम्मद कामरान जो अभी विधायक हैं, उसके अलावा एक और छोटे नेता हैं सलमान खुर्शीद हैं, जिला वगैरह अध्यक्ष में रह चुके हैं। दूसरी तरफ जो हिसुआ है, हिसुआ में सबसे बड़े मुसलमान नेता मसीउद्दीन है जो 2009 के, याद कीजिए 2009 के लोकसभा चुनाव में जब ये लड़े थे चुनाव में लोकसभा का चुनाव, और भोला सिंह, सूरजभान सिंह, राजबल्लभ यादव और कौशल यादव के बाद पांचवें नंबर पे लगभग 50,000 वोट, 46,000 47,000 वोट इनको आया था। ये भी कहा जाता है कि मसीउद्दीन को भूमिहारों ने जानबूझ करके लड़वाया था 2009 का चुनाव ताकि मुसलमानों का वोट बढ़ सके और वो वोट राजबल्लभ यादव को नहीं जाए और राजबल्लभ यादव या फिर कौशल यादव को नहीं जाए ताकि इन दोनों में से कोई चुनाव नहीं जीते। अब एकमात्र 2009 का लोकसभा चुनाव एकमात्र चुनाव था जब नवादा लोकसभा क्षेत्र से यादव उम्मीदवार के जीतने की संभावना बन रही थी, पूरी दिख रही थी। क्योंकि अगर आप 2009 के रिजल्ट को देखेंगे तो उस लोकसभा चुनाव में दो भूमिहार उम्मीदवार मैदान में थे जिसके कारण भूमिहारों का वोट बटा था। ऐसे में अगर यादव और मुसलमान बट के वोट नहीं करते, एक साथ वोट करते राजबल्लभ यादव को, तो राजबल्लभ यादव आसानी से वो चुनाव को जीत सकते थे। लेकिन जीतने वाले जो भोला सिंह थे, जो भूमिहार थे वहाँ से 2009 में, उनको मात्र 1,30,000 वोट मिला है, जबकि राजबल्लभ यादव को और कौशल यादव के दोनों के वोट को अगर आप जोड़ दें तो 1,40,000 वोट हो जाता है। अब उसमें से अगर आप जो 46,000 मसीउद्दीन को वोट मिला था वो भी अगर आप जोड़ देते हैं तो लगभग 1,85,000 वोट हो जाता है इनका, राजबल्लभ यादव और उनके सब लोग अगर एक साथ लड़ते तो, और जो जीते हैं उनका कितना वोट है, मात्र 1,30,000। तो इस तरह से राजबल्लभ यादव को वहाँ से आसानी से जीत मिल सकती थी, लेकिन चूंकि कौशल यादव किसी भी कीमत पर राजबल्लभ यादव को नवादा में पनपने देना नहीं चाहते हैं, ताकतवर होने देना नहीं चाहते हैं, चाहे कोई भी चुनाव जीते लेकिन राजबल्लभ यादव चुनाव नहीं जीतना चाहिए, ये उनका पहला मोटा होता है, इसलिए 2009 में उसके उस चुनाव में वो नहीं जीत पाए थे। अब आते हैं 2009 वाले की स्थिति एक बार फिर से 2024 में बन रही है। अगर आरजेडी अनिल सिंह को मैदान में उतार देती है तो भाजपा भूमिहार को मैदान में उतार रही है, ये भी तय हो चुका है, तो दोनों भूमिहार कैंडिडेट रहेंगे। अब ऐसे में कौशल यादव लड़े या न लड़े, राजबल्लभ यादव का परिवार तो चुनाव जरूर लड़ेगा। अगर यादव एकजुट हो गया तो राजबल्लभ यादव निर्दलीय चुनाव निकाल भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं अगर वो निकाल लें तो, खास करके तब जब सभी मुसलमानों को पता है कि अनिल सिंह पूरा जीवन भाजपा के साथ रहे हैं तो मुसलमान जो है वो इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं, उसके ऊपर से उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और इस बार मुसलमान किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए इस बार मुसलमान जो 2024 का हो रहा है वो बहुत ज़्यादा पोलराइज है, मुसलमान किसी भी बीजेपी या बीजेपी से दूर तक जुड़े व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहती है और मोदी और भाजपा को हराने के लिए किसी भी कीमत पर एकजुट होने के लिए तैयार है। लेकिन अगर नवादा से कांग्रेस की तरफ से कन्हैया चुनाव में उतार दिए जाते हैं तो मामला पलट सकता है, क्योंकि कन्हैया को भूमिहार का भी अच्छा खासा वोट मिल जाएगा। जो मुसलमान अनिल सिंह के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है वो कन्हैया कुमार के ऊपर भरोसा कर लेंगे। जो भूमिहार जो अनिल सिंह के क्षेत्र के हैं, आदित्य सिंह के बेटा, जो उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे वो कन्हैया को हो सकता है सपोर्ट कर दें। अनिल सिंह से बेहतर विकल्प है कन्हैया, मुसलमानों के लिए भी, भूमिहारों के लिए भी, और एक ही उनके साथ फैक्टर है कि वो लोकल नहीं है। लेकिन कन्हैया महागठबंधन की जीत के लिए बेहतर विकल्प तो हो सकते हैं,
लेकिन कन्हैया तेजस्वी के भविष्य के लिए बेहतर विकल्प नहीं है, यह आरजेडी भी जानती है, तेजस्वी भी जानती है। और आपने देखा कि पिछले बेगूसराय के चुनाव में जब कन्हैया लड़े थे तो आरजेडी ने विरोध किया था। तो आरजेडी पूरी कोशिश करेगी कि नवादा सीट वो किसी भी कीमत पर कन्हैया को नहीं जाने दें। पिछले हफ्ते नवादा में कन्हैया का भी एक टीम वहाँ पे सर्वे करवा रही थी, और आरजेडी की तरफ से अनिल सिंह को लेकर के एक सर्वे करवाया जा रहा था, दोनों में किसका ऊपर हैंड आता है। और दोनों सर्वे में एक ही रिजल्ट आया है, और वो ये है कि आपको अंदर की खबर में बता रहा हूँ, ये लीक खबर हुआ है, मुझे पता चला है कि दोनों के सर्वे में नवादा की जनता ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है कन्हैया को। सर्वे में विवेक ठाकुर, अनिल सिंह, कन्हैया कुमार और राजबल्लभ यादव के साथ साथ गिरिराज सिंह का भी नाम आया था, लेकिन गिरिराज सिंह का कहीं कोई वहाँ पे है नहीं, शायद वो लड़ेंगे भी नहीं, जाएं भी तो, लेकिन कन्हैया कुमार इसमें सबसे ऊपर है। फिर अनिल सिंह दूसरे नंबर पर है, और उसके बाद फिर विवेक ठाकुर का नाम आ रहा है। लेकिन अगर टक्कर कन्हैया और विवेक ठाकुर में होता है तो कन्हैया बढ़त बनाए हुए हैं आज के समय में अभी। लेकिन अगर इस बार भी 2009 की तरह फिर से दर्जन भर उम्मीदवार नवादा के मैदान में उतार दिए जाते हैं तो जीत निर्दलीय से राजबल्लभ यादव की भी हो सकती है, खास करके अगर कौशल यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं तब, और कन्हैया कुमार की जगह अनिल सिंह चुनाव लड़ते हैं तब। अगर कन्हैया लड़ते हैं तब कौशल यादव की, राजबल्लभ यादव की मुश्किलें ज़्यादा हैं, क्योंकि खबर तो यहाँ तक भी आ रही है कि आदित्य सिंह के जो बेटे हैं और वर्तमान में जो हिसुआ के विधायक हैं, उनकी बहू विधायक है, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि उनकी भी इच्छा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़े, और अगर बीजेपी टिकट देती है तो। तो 2009 का चुनाव, हर तरह से आप 2009 के चुनाव पर नज़र रखिए अगर आपको नवादा के इस 2024 के चुनाव को समझना है तो, उसको सही से आकलन करना है तो। 2009 का नवादा का लोकसभा चुनाव अपने आप में अजीब है, अजीब था, क्योंकि उस चुनाव में जीतने वाले जो जीते थे भोला सिंह, उनको मात्र 22% वोट मिला था, और 22% वोट के साथ वो चुनाव जीत गए थे। इस चुनाव में 17 ऐसे उम्मीदवार थे जिनको 1% भी वोट नहीं आया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 1977 से लेकर के 2008 तक ये जनरल सीट नहीं था, आरक्षित सीट हुआ करता था। और 2008 में जैसे ही ये सीट जनरल हुआ तो जितने भी लोकल भूमिहार लीडर थे या जितने भी यादव लीडर थे, जो भी मतलब चुनाव बस चुनाव लड़ने के लिए लड़ना चाहते थे, अपना दम दिखाना चाहते थे, अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, वो सब इस चुनाव में भिड़ गए थे, और कोई 1%, कोई 0.5%, कोई 2%, कोई 3% लड़े थे, और सब लोगों ने इसमें अपना अपना बाजी खेला था। ये हमारी लोकसभा की दूसरी रिपोर्ट थी, और हमारी पहली रिपोर्ट उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर लगे गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के ऊपर थी, और हमारी अगली रिपोर्ट हम बेगूसराय के ऊपर आपके लिए ला रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी आएगी। अगला जो हम रिपोर्ट ला रहे हैं तो आप देखते रहिए न्यूज हंटर्स। नमस्कार, धन्यवाद।